हेलो एवरीवन, दिस इज आरके वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री के 8.4 एक्सरसाइज के कुछ जो क्वेश्चन हम प्रूव कर रहे थे उनके आगे के सवालों को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, टू प्रूव दैट सिद्ध करना है टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आइए हम इन्हें सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध होगा देखिए, सबसे पहले हम इन्हें LHS मानते हैं और वो RHS है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं इन्हें प्रूफ करने के लिए, प्रूफ में हम लेंगे क्या लेंगे, प्रूफ में हम लेते हैं LHS। क्या लेते हैं LHS। अब LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे। LHS इज इक्वल टू होगा हमारा टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ होगा कॉट थीटा और बाय वन माइनस टेन थीटा, ठीक। अब इन्हें प्रूफ करने के दो तरीके हैं। एक है क्या कि हम सारे टर्म्स को साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि साइन और कॉस के पदों में हम इन्हें चेंज कर दें तो भी ये प्रूफ किए जा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि हम इन्हें कॉट को सिर्फ यदि टेन में बदल दें या टेन को यदि सिर्फ हम कॉट में बदल दें तो भी प्रूफ हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। हम सबसे पहले देखेंगे कि टेन थीटा, हम कॉट को चेंज कर रहे हैं, कॉट थीटा टेन को रखेंगे और कॉट को बदल देंगे। देखिए कैसे, चूंकि टेन थीटा को अभी हम रहने देंगे टेन थीटा बाय वन माइनस, इस कॉट को बदल देंगे टेन में, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू होता है वन बाय टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। फिर प्लस कॉट थीटा है, इन्हें चेंज कर देंगे वन बाय टेन थीटा इंटू, ये ध्यान दीजिएगा इन्हें हम लिखेंगे वन माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं। क्या होता है देखिएगा, इसमें क्या है कि यह जो कॉट थीटा था वो हमारा 1 बाई टेन के रूप में चेंज हो चुका है और यहाँ जो कॉट थीटा था वो 1 बाई टेन के रूप में आ चुका है। अब इन्हें हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इसमें यह जो टेन थीटा है हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम इसका LCM लेंगे तो यहाँ हमारा नीचे बचेगा टेन थीटा और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। तो इस नीचे वाले LCM को हमने ऊपर ले जाके इंटू कर दिया तो हमारा एक स्टेप यहाँ बच जाता है, इन्हें हम संक्षेप कर सकते हैं इसे, ठीक है। फिर प्लस यहाँ क्या होगा वन बाय यह जो टेन थीटा है हमारा उन्हें लिख देंगे। अब देखिए वन माइनस टेन थीटा है और यहाँ टेन थीटा माइनस वन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं। यहाँ माइनस जब हम कॉमन करेंगे तो हमारा यूँ हो जाएगा, माइनस वन कॉमन कर देते हैं तो ऐसे होगा कि टेन थीटा माइनस वन, यस। अब ये माइनस जो है वह माइनस यहाँ आके इनटू होके इन्हें माइनस कर देगा तो यह बचेगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा और बाय टेन थीटा माइनस वन और माइनस यह हो जाएगा वन बाय टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसका और इसका LCM लेते हैं तो देखिए क्या आता है, ऐसे ऐसे यह होगा हमारा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। अब इससे हम यदि डिवाइड करें इसे तो सिर्फ बचता है हमारा टेन थीटा और टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा से इंटू होता है तो यह हमारा बचता है टेन क्यूब थीटा, ठीक है। फिर माइनस, अब क्या है इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये सारा कैंसिल हो जाता है और बचता है हमारा सिर्फ वन, तो वन से इसे इंटू करते हैं तो बचता है वन। अब हम क्या कर सकते हैं इसे देखिएगा ध्यान से, यह जो है हमारा टेन क्यूब थीटा है और यह वन है तो हम इसे यहाँ खुद से इसमें हम क्यूब लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसे हम फार्मूला के रूप में चेंज करेंगे। अब यह फार्मूला हमारा बन चुका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब इसी फार्मूले में हम उन्हें स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे तो देखिए क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि
ए क्यू माइनस बी क्यू एक फॉर्मूला होता है जिसका मान होता है ए माइनस बी यानी कि टेन थीटा माइनस वन ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स टेन थीटा इंटू वन ए बी और प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन। यस तो यही हो जाएगा हमारा हल। अब क्या करते हैं नीचे जो बचता है हमारा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन तो हम इन्हें ऐसे लिखेंगे टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। ठीक है अब आप देख सकते हैं कि यह जो है हमारा इंटू में मान आ चुका है इसका मतलब है कि हम इसे और इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास बचता क्या है ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और वन और इस टेन थीटा से हम इस तीनों को डिवाइड कर देंगे यानी कि यहाँ हम ऐसे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा ये टेन थीटा जो है वो इस तीनों को डिवाइड करेगा यानी कि उसका उन तीनों पर अधिकार है टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा यानी कि टेन थीटा और बाय यहाँ भी होगा टेन थीटा फिर प्लस वन बाय टेन थीटा अब देखिए क्या होगा इस टेन थीटा से स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा बचेगा टेन थीटा फिर प्लस इस टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा हमारा वन और फिर प्लस वन बाय टेन थीटा अब देखिए इन्हें हम क्या करेंगे साइन और कॉस के रूप में जैसा कि मैंने कहा था उस समय भी हम साइन के और कॉस के रूप में चेंज करते तो हमारा प्रूफ की ओर बढ़ता कदम लेकिन जब हम यहाँ टेन और कॉट के रूप में टेन और वन बाई टेन के रूप में पहुँच चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें साइन और कॉस में जाना ही होगा। क्यों क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए सेक और कॉसेक में और जब तक हम टेन को चेंज नहीं करते हैं तब तक हमें ये सेक कॉसेक मिलने वाला नहीं है। सो आइए हम इन्हें चेंज करते हैं इस वन को हम रख देते हैं यहाँ ठीक है। अब प्लस ये टेन थीटा जो है उसे हम लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस ये टेन थीटा जो है वह क्या हो जाएगा वन और बाय टेन थीटा को चेंज करेंगे यहाँ हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा में ठीक है। तो यह हमारा कैसे हो जाएगा ध्यान दीजिएगा कि यह कॉस थीटा जो है हमारा ऊपर चला जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा वन और प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा और बाय साइन थीटा। चलिए अब इन्हें हम सॉल्व कर देंगे तो आगे का हमारा सफ़र जो है वो बढ़ जाएगा। आइए कुछ वीडियो पॉज करके पहले आप इन मानों को लिख लेंगे तो हम आगे कुछ स्टेप्स को मिटाकर आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से जो हमारा कदम बढ़ेगा वो आएगा इस ओर यह होगा वन और प्लस देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे यदि हम हल करेंगे तो पाते हैं कॉस थीटा से हम इसे डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा और साइन इंटू साइन हो जाएगा यहाँ हमारा साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। फिर प्लस साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल होगा और बचेगा हमारा कॉस और कॉस इंटू होगा तो यहाँ हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होता है कि वन प्लस चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हम लोग जानते हैं तो इसका मान लिखेंगे वन और बाय में यहाँ होगा हमारा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। चलिए अब देखिए क्या है कि वन को हम लिखेंगे वन और होगा यहाँ हमारा प्लस वन बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू वन बाय साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अतः हमारा यही आरएचएस लाना था देखिए ये आरएचएस आ गया दैट इज इक्वल टू आर
एच एस प्रूफ्ड। हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको ये सवाल अच्छे लगते हो और प्रूफ करने में मज़ा आता हो तो इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए और प्रूफ करते रहिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों साथियों को आप मदद कीजिए और हेल्प के तौर पर उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनकी मदद कीजिए ताकि वो एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। आपको यदि वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भविष्य में आने वाली वीडियोज़ जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।